जानिए कैसे तबू को बर्बाद करने के पीछे इन सितारों का हाथ है। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री तबू की बात करें तो आज उनकी शादी नहीं हो पाई है, और जब कभी इनकी शादी ना होने का कारण पूछा जाता है तब कई सारी बातें उभर कर सामने आती है। बात करें तबू की तो तबू आज 52 साल की हो चुकी है। तबू बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक है जो आज भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी रहती है, और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान काफी कुछ पाया तो काफी कुछ खोया भी। वैसे देखा जाए तो तबू ने अपने करियर के दौरान बॉलीवुड के कई सारे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की, और उन सभी कलाकारों के साथ उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी ओर उनका कई सारे अभिनेताओं के साथ नाम भी जुड़ा, लेकिन बावजूद इसके आज तक वो कुंवारी हैं। 52 साल की उम्र में वो भला की खूबसूरत लगती है, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई। इसके पीछे का कारण भी है, मीडिया और सोशल मीडिया पर जब कभी भी तबू की बात आती है तो कई सारे यूजर्स इस बात को लेकर उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि मोहतरमा आपकी शादी क्यों नहीं हुई है। इसके पीछे का कारण वो हमेशा से अजय देवगन को बताती आई है। बताना चाहेंगे कि अजय देवगन और तबू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग भी देखने को मिली। हालांकि अच्छे दोस्त भी रहे, और अजय देवगन ने तबू के साथ कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करके काफी नाम और शोहरत भी कमाया, और इन दोनों की जोड़ी भी इन फिल्मों में काफी ज्यादा पसंद की गई। बताया जाता है कि इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान तबू और अजय देवगन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों करीब आने लगे थे और इन दोनों के लव अफेयर के किस्से एक जमाने में काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते थे, लेकिन अजय देवगन ने कभी भी तबू को अपनाया ही नहीं। हालांकि तबू ने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी शादी ना होने का एक बड़ा कारण अजय देवगन ने। दरअसल तबू की एक कजन समीर आर्या और अजय देवगन तबू के पड़ोसी हुआ करते थे, तब उनसे मिलने वाले हर लड़के पर उनकी नजर रहती थी। उन्होंने इस दौरान बताया कि अगर कोई लड़का उनके आसपास दिखता था तो दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर दिया करते थे, इसलिए अब तक उनकी शादी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर एक बार कपिल शर्मा के शो पर तबू और अजय देवगन एक साथ आए थे। इस दौरान दोनों ने अपने कुछ पुराने किस्सों को शेयर भी किया था। कपिल ने अजय को लेकर तबू से उनके कॉलेज के दिनों के बारे में सवाल पूछा, और इसके बारे में बातचीत करते हुए तबू ने बताया था कि अजय उनसे किसी को भी बात नहीं करने देते थे। और कपिल शर्मा ने शो पर सवाल किया था कि सर क्या दोस्त भी बोलते थे कि लड़की से फ्रेंडशिप करवा दो, तो अजय देवगन ने इस बात का तुरंत जवाब दिया था कि नहीं, वो ऐसा नहीं बोलते थे। वहीं पर तबू ने बताया था कि उल्टा कांपते थे सब लोग, क्योंकि इन सब ने ऐसा घेराव करके रखा हुआ था कि दूर से ही मालूम पड़ता था कि इनका कुछ है, ये तो कोई चक्कर है, तो ये लोग कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देते थे। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि तबू की शादी सिर्फ अजय देवगन के कारण ही नहीं हो पाई। सिर्फ अजय देवगन नहीं बल्कि साउथ के जाने माने सुपरस्टार नागार्जुन के साथ भी एक समय तबू की नजदीकियां हमें देखने को मिली, और दोनों के लव अफेयर के किस्से भी एक जमाने में काफी ज्यादा वायरल हुआ करते थे। और हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि उस दौरान नागार्जुन शादीशुदा थे। नागार्जुन की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो नागार्जुन ने लक्ष्मी दगुपति से शादी की थी, लेकिन इसी बीच वो तबू को भी डेट करने लगे थे। हालांकि इस बारे में दोनों ने कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन प्यार कहां तक छिपता है, क्योंकि मामला वाकई में बड़ा सीरियस था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुन अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे तबू के साथ। वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन शादीशुदा थे, जिसके चलते इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब कहा तो ये भी जाता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को करीबन 15 साल तक डेट किया। ये प्यार इतना परवान चढ़ गया था, लेकिन बाद में टूट भी गया, क्योंकि तबू को समझ में आ गया कि उनके लिए नागार्जुन अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे में तबू को ही पीछे हटना पड़ा। और तबू ने सही भी किया, क्योंकि जिस रिश्ते का भविष्य नहीं है उस रास्ते पर चल के क्या ही फायदा। वैसे भी वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहती थी, और यहाँ पर तो भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। और दूसरी ओर नागार्जुन भी उन्हें शादी की श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे। अब ऐसे में उनकी लव स्टोरी तो अधूरी रह गई। नागार्जुन से पहले भी तबू ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को डेट किया था। साजिद अपनी पत्नी दिव्या भारती की अचानक मौत से बहुत टूट चुके थे, तब तबू ने ही उन्हें सहारा दिया था। तबू ने साजिद को अपनी पत्नी के गम से उबरने में मदद की थी, और इसी कोशिश में दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि साजिद नहीं चाहते थे कि उनके इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, इसलिए दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा था। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान तबू ने इस रिश्ते के बारे में कुछ बातें बोल दी, और सच्चाई सबके सामने आ गई। इसके बाद साजिद तबू से इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने तबू के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। इस समय तबू बहुत टूट चुकी थी, और फिर इसी दौरान तबू की लाइफ में नागार्जुन की एंट्री होती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की रही है तबू की लव लाइफ। तबू की लव लाइफ पर सबसे पहले उनकी जिंदगी में अजय देवगन आते हैं। अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है, तो दूसरी ओर नागार्जुन के साथ भी उनका रिश्ता काफी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया।